Okay, polling has started at 9 a.m. and I'm here in LA 19 constituency, dash 3, Poonch, which represents the Poonch division. And I have just in front of... Ji. Yes. Urdu, English? No, I'm just introduction to English. And I, amongst the seven candidates competing, I have one of the candidates here in front of me, Sardar Shahnawaz, who's standing as an independent candidate. So, Janabi Ali, इस इलेक्शन ये जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है ये इसी बुनियाद पे कि सरदार याकूब साहब सदर मुंतखब हुए तो उनको सीट छोड़नी पड़ी तो उस बुनियाद पे हो रहा है तो आप मुझे ये बताएं कि पहले आपका अपना जो मंशूर और ये जो मौजूदा असेंबली का जो टर्म है इसमें एक तो आप ये बताएं कि आप की कॉन्फिडेंस और उसकी कैफियत कैसी है और फिर आगे कुछ मंशूर के हवाले से बताएं। चूंकि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही है और था जी, और मैं पीपल्स पार्टी का टिकट का उम्मीदवार था जी, तो टिकट के लिए बोर्ड ने एप्लीकेशंस मांगी हैं लेकिन बाद में जो पार्लियामेंट बोर्ड नहीं बैठ सका जी, और फरजाना याकूब साहिबा को टिकट इलीगली बगैर बोर्ड के जारी किया गया जी। उसके खिलाफ हम बहुत सारे दोस्तों ने ये प्रोग्राम बनाया कि पीपल्स पार्टी के स्टेज से ही और पीपल्स पार्टी के अंदर रहते हुए भी हम इलेक्शन कंटेस्ट करें और ये जो जिस तरीके से मोहतरमा फरजाना याकूब साहिबा को टिकट मिला है इसके खिलाफ हम बतौर उम्मीदवार मैदान में आए जी। और चूंकि हमारा मंशूर हमारा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही है जी, और वही हमारा मंशूर है और इंशाल्लाह उम्मीद है लोग हमें जो बेहतर रिजल्ट देंगे क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं और पीपल्स पार्टी के साथ हैं, अरसा दराज से हम रहे हैं, तकरीबन 20 साल से पीपल्स पार्टी के साथ हमने मारे खाई हैं और इस एतबार से मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुन भी हमारे साथ हैं और हम बेहतर नुमाइंदगी करेंगे पार्लियामेंट में अवाम की, चूँकि हम अवाम के मसाइल समझते हैं। जिसने जो कैंडिडेट दिए हैं पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट्स दिए हैं जो मेरे द्वारा उनका चूँकि इतना ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी नहीं रहा और वो इस एरिया में भी हल्का तीन में भी नहीं रही हैं, चूँकि पहले स्विट्ज़रलैंड रहती थी तो वहाँ से डायरेक्ट वो टिकट लेके आई हैं। इस हवाले से हम लोगों के बेहतर मसाइल समझते हैं, उस क्लास के लोग हैं, इसी क्लास में रहते हैं है। और बेहतर तौर पर इंशाल्लाह हम सही लोगों के तो आप समझते हैं कि ये आपका एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है कि क्योंकि वो यहाँ पर रही नहीं है, उस जैसे आपने फरमाया कि स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादातर उसका वक्त गुजरा है तो और क्या आप समझते हैं कि उसकी वालद की वसात से ही उसको टिकट मिला है? बिल्कुल, मैं ये यकीनन कहता हूँ कि अगर फरजाना याकूब साहिबा बतौर आज़ाद उम्मीदवार मेरी जगह तरह इलेक्शन लड़ती तो उनको 100 वोट भी ना पड़ता। ठीक है, ओके। यही एडवांटेज है कि उनके वालद साहब प्रेसिडेंट हैं और इसी एडवांटेज की बुनियाद पर वो इलेक्शन लड़ रही हैं। हाँ, तो ठीक है, तो उनकी कैंपेनिंग में उनके वाले साहब भी उनका कोई सपोर्ट साथ दे रहे हैं? कैंपेनिंग यकीनन आपने इधर सुना भी होगा, लोगों देखा भी होगा कि प्रेसिडेंट साहब का जो कि होता इस चीज़ का मतकाजी है कि वो हल्के में उन्हें नहीं आना चाहिए था, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे कैंपेन की है। हाँ, आज भी मौजूद हैं हल्के में? आज अपने घर पे मौजूद हैं, यहाँ घर पे मौजूद हैं, कैंपेनिंग पोलिंग स्टेशन में तो नहीं आ रहे? स्टेशन पे नहीं है, घर पे मौजूद है, मुख्तलिफ लोगों से टेलीफोनिक रबते उन्होंने किए हैं। ठीक है, मुख्तलिफ जगह पे खुद कैंपेन जाके की है। सही है, तो इस एतबार से मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट साहब को कैंपेन नहीं करनी चाहिए। सही है, आखिरी सवाल ये है कि आपका यूनियन काउंसिल कौन सा है? यूनियन काउंसिल अली सोजिल है मेरा, यही है अली सोजिल का, और मेरा एक ही पोलिंग स्टेशन है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।